अलर्ट, तो बुक में ये कह रहे हैं कि एन अलर्ट बॉक्स दैट पॉप अप टू गिव द यूजर अ मैसेज, एक पॉपअप की तरह खुलता है ये और यूजर को कुछ ना कुछ मैसेज ये दिखा देता है. हेयर इज द कोड फॉर अलर्ट दैट डिस्प्लेज द मैसेज, थैंक यू फॉर योर इनपुट. अगर आपको ये दिखाना है यूजर को कि थैंक यू फॉर योर इनपुट, तो आप ऐसे करके लिख देंगे कोड, तो यूजर को वो पॉपअप में ये बात लिखी हुई नजर आ जाएगी. हाँ, जब भी बंदे को कोई मैसेज दिखाना है, आपको अलर्ट करना है किसी बात से मुतालिक, तो आप ये अलर्ट करके उसको मैसेज दिखा सकते हैं. अच्छा, अब ये अलर्ट के बारे में मज़ीद क्या बात हो रही है कि अलर्ट इज़ अ कीवर्ड. कीवर्ड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर इन जनरल, ये तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात हो रही है, कीवर्ड क्या होता है. जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो मैं एक जुमला बोल रहा हूँ. अच्छा, जुमला जो बनता है हमारे केस में अंग्रेज़ी ज़ुबान में या उर्दू ज़ुबान में, वो लफ्ज़ों से मिलके बनता है. ठीक है, मैं, आप, तुम, कहाँ, क्या, काम, रास्ता, है ना, ये सारे वर्ड्स हैं, इनसे मिलके बनता है जुमला. जब ये मुख्तलिफ वर्ड्स को मैं साथ में मिलाता हूँ तो इसको मिलके बनता है जुमला. तो इसके अंदर भी जो है इसी तरह वर्ड्स होते हैं, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको मैं कोई बात समझा रहा हूँ, इसी तरीके से भाइयों बात ही नहीं करो, इधर तवज्जो दो खामोशी से, अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो डायरेक्ट. जिस तरह हम आपस में बात करते हैं, मैं आपको कोई बात समझा रहा हूँ, इसी तरह जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हम क्या कर रहे होते हैं, कंप्यूटर को अपनी बात समझा रहे होते हैं. ठीक है, कंप्यूटर को मैं बताता हूँ कि ऐसे करो और कंप्यूटर वैसे करता है फिर, तो कंप्यूटर से बात करने की ज़ुबान है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, इसीलिए इसको लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि एक ज़ुबान होती है, कंप्यूटर से बात करनी होती है मुझे. इस ज़ुबान के अंदर कीवर्ड्स होते हैं. ठीक है, अच्छा, कीवर्ड जो होते हैं, अब वो क्या चक्कर है कीवर्ड का भी वो आगे पता चलेगा. अच्छा, फिर ये इन कीवर्ड से मिल के जो बनता है ना, वो एक लाइन बनती है. ठीक है, जो एक लाइन का जो कोड है उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट. तो हमारी ज़ुबान में जिसको हम कहते हैं वर्ड्स, वो यहाँ पे कीवर्ड है. हमारी ज़ुबान में जिसको कहते हैं सेंटेंस, वो यहाँ पे स्टेटमेंट है. ठीक है, अच्छा, ये जो पूरा है ना, ये जो लिखा हुआ है अलर्ट, और लास्ट में आप देखो ये एक सेमी कॉलन लगा हुआ है. ठीक है, इस पूरी लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक स्टेटमेंट बोलते हैं. ये एक स्टेटमेंट है. अच्छा, अगली लाइन में फिर हम अगली एक बात लिखते हैं, फिर अगली लाइन में एक अगली बात लिखते हैं. तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख के, चार लाइन का, पांच लाइन का, दस लाइन का कोड लिख के, उसको हम कहते हैं कि ये मेरा प्रोग्राम है. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ये मेरा प्रोग्राम है, या स्क्रिप्ट भी कह सकते हैं उसको. अच्छा जी, और देखते हैं अब आगे क्या करें. तो कीवर्ड समझ आ गया, ये अ वर्ड हैज़ दैट हैज़ अ स्पेशल मीनिंग फॉर जावास्क्रिप्ट. कह रहे हैं कीवर्ड वो चीज़ होती है कि उतने उस वर्ड की ना कोई स्पेशल मीनिंग होती है जावास्क्रिप्ट के नज़दीक. इट मीन्स डिस्प्ले एन अलर्ट बॉक्स. अब अलर्ट के केस में ये क्या है कि अलर्ट लिखने से उसको समझ आता है कि अलर्ट दिखा दो स्क्रीन पर, टाइप करके दिखा दो यूज़र को एक मैसेज. अच्छा, अब यहाँ पर ये क्या बात कह रहा है कि नोट दैट ओपनिंग पैरेंथेसिस इज जैम्ड अप अगेंस्ट द कीवर्ड. कह रहे हैं कि ओपनिंग जो ब्रैकेट है ना, ये बिल्कुल चपका हुआ है, कोई स्पेस नहीं है दरमियान में. लेकिन कह रहे हैं कि अगर हम स्पेस दे दें, अगर हम ऐसे करके लिखें, तो जावास्क्रिप्ट एम्प्टी स्पेसेस को या वाइट स्पेसेस को क्या करता है, ओमिट कर देता है. वाइट स्पेसेस को ये कंसिडर नहीं करता जावास्क्रिप्ट, उसको उड़ा देता है. अच्छा, हाँ, ये कीवर्ड के बीच में तो खैर स्पेस नहीं डाल सकते आप, ए एल के दरमियान में स्पेस डाल दिया फिर तो वो कीवर्ड ही नहीं बना ना. कीवर्ड तो जब बनेगा जब अलर्ट लिखा हुआ होगा पूरा. लेकिन कीवर्ड लिखने के बाद अब आगे की जो बात है कि कीवर्ड, अब अलर्ट का मतलब होता है कि कुछ दिखाना है स्क्रीन पे, तो जहाँ पे भी अलर्ट लिखा हुआ आएगा वहाँ पे जावास्क्रिप्ट आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप पैरेंथेसिस में कोई बात देंगे आगे. अब वो पैरेंथेसिस थोड़ा एक दो स्पेस आगे भी हो जाए तो उसको मसला नहीं है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. अच्छा, इन इंग्लिश अ केयरफुल राइटर एंड एवरी डेक्लेरेटिव सेंटेंस विद अ पीरियड. पीरियड यानी डॉट या फुल स्टॉप को कहते हैं. इन स्क्रिप्ट अ केयरफुल कोडर एंड्स एवरी स्टेटमेंट विद अ सेमी कॉलन. कह रहे हैं कि जहाँ पे भी एक स्टेटमेंट आपकी ख़त्म हो जाती है वहाँ पे एक केयरफुल कोडर जो है वो सेमी कॉलन लगाता है. अच्छा, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर सेमी कॉलन रिक्वायर्ड होता है, अगर आप वो नहीं लगाएंगे वो एरर देता, उसको समझ ही नहीं आता यहाँ ख़त्म हो गया ये कोड. ठीक है, स्टेटमेंट पूरा, उसको समझ ही नहीं आता है कि हो गया है यहाँ पे.
जावास्क्रिप्ट स्मार्ट थोड़ी सी है इस मामले में। जावास्क्रिप्ट में ये सेमी कॉलन लगाना ऑप्शनल है, अगर आप लगा देते हैं तो ठीक है, नहीं लगाते तो कोई मसला नहीं है उसमें। बट इसी वजह से इसने कहा है कि केयरफुल जो कोडर है ना वो जावास्क्रिप्ट में भी सेमी कॉलन को लगाएगा, ठीक है। तो आप सेमी कॉलन आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा ये हो गया भाई, एक चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट। मुश्किल तो नहीं था, आसान था। अच्छा अब ये चैप्टर नंबर 2 है, वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग। प्लीज मेमोराइज द फॉलोइंग फैक्ट, माई नेम इज मार्क एंड माई नेशनैलिटी इज US। ये दो इसने एक फैक्ट बता दिया, ये आपको अब जहन में रखना है कि ये बंदा कौन है। ये बंदा US में रहने वाला है और इसका नाम है मार्क। नाउ दैट यू हैव मेमोराइज माई नेम एंड नेशनैलिटी, आई वॉन्ट हैव टू रिपीट दैम अगेन। कह रहा है कि मुझे ना लिटरली आपको नहीं बताना पड़ेगा दोबारा, ठीक है। बाई द वे लिटरली किस चीज़ को कहते हैं अंग्रेजी में, कोई बता सकता है? श्योरिटी से कोई नहीं जवाब दे रहा। अंग्रेजी में लिटरली किस चीज को कहते हैं, मतलब लिटरल? सही कह रहा था वैसे वो, इस सेंस में नहीं कि अंग्रेजी में लिटरली का मतलब ये नहीं होता कसम से, लेकिन हमारे यहाँ आमतौर पर क्योंकि ये स्लैंग में चला जाता है वर्ड, वो एक वर्ड यूज़ होते होते वो आहिस्ता आहिस्ता उसका एक स्लैंग मीनिंग बन जाता है पूरा। तो स्लैंग मीनिंग तो यही है इसका, हमारे यहाँ जिस तरह से लोग बता रहे होते हैं, ठीक है, कि वो किसी को एतमाद में लेने के लिए ना फिर वो लिटरली लिटरली बोलने लग जाते हैं, हालांकि इसका मतलब ये नहीं होता। कोई बता सकता है लिटरली का मतलब क्या है? कोई भी नहीं। लिटरल एक होता है, लिटरली का मतलब होता है कि अलग से बताना, बाकायदा बताना, इसको हम कहते हैं लिटरली। मिसाल के तौर पे अभी इसने बोल दिया ना माय नेम इज़ मार्क, तो अब ये बात कॉन्टेक्स्ट में आ गई। मिसाल के तौर पे किसी ने मुझे बता दिया कि यार मेरा नाम रहीम है या मेरा नाम अली है, अब मुझे पता चल गया ना अली है उसका नाम, अब वो बार बार बताने की उसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसको बार बार ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि सर मेरा नाम अली है, मेरा नाम ऐड करना। वो अगर ये भी बोल दे सर मेरा नाम ऐड कर दें, तो इम्प्लिसिटली ये बात कॉन्टेक्स्ट में मौजूद है कि अली का नाम ऐड करना है, समझ रहे हो। लेकिन अगर वो ये कह, अगर मिसाल के तौर पर मैं भूल गया, अच्छा मैं कहूँगा यार तुम्हारा नाम क्या था, मैं भूल गया, तो अब उसको लिटरली बताना पड़ेगा कि सर मेरा नाम अली है और मेरा नाम अली नाम जो है उसमें ऐड कर दें। अगर कोई बंदा कह रहा है कि जस्ट मेरा नाम ऐड कर दें, तो ये दिस इज़ नॉट लिटरल। अब इसको इम्प्लिसिट कह लो आप या कोई भी, इसका अपोजिट वर्ड क्या होता है मुझे नहीं पता श्योरिटी से, लेकिन लिटरली का मतलब आपको समझ आ गया। अच्छा अभी ये इसमें प्रोग्रामिंग में भी स्ट्रिंग लिटरल करके एक चीज़ होती है, नंबर लिटरल करके एक चीज़ होती है, वो हम आगे अभी पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि वो हम क्या करते हैं, वो एक्सप्लिसिटली जब बताते हैं ना उसको अलग से, तो हम उसको कहते हैं लिटरल ही है। अच्छा तो ये बात आ गई कॉन्टेक्स्ट में कि भाई बंदा जो है ना इसका नाम मार्क है और ये US में रहता है। If I ask you कि my nationality is same as yours, अगर मैं थोड़ी देर बाद ये बोलूँ कि मेरी भी nationality वही है जो तुम्हारी है, तो यहाँ पे US का तो नहीं इस्तेमाल हुआ, US तो नहीं बोला गया literally, लेकिन ये implicitly context में बात थी। I won't have to ask is your nationality is the same as US। कह रहा है कि अगर मैं पूछना चाहूँ कि क्या तुम्हारी भी nationality वही है जो मेरी है, तो मैं ऐसे भी बोल सकता था ना कि क्या तुम्हारी नेशनैलिटी US है, बट मैं ऐसे नहीं पूछ रहा हूँ कि क्या मेरी जो है वही तुम्हारी भी है, तो एक ही बात है। तो इसमें लिटरल और नॉन लिटरल का फ़र्क आपको समझाने के लिए बात की इसने। कह रहा है भाई वेरिएबल भी ना इसी तरह होता है, अ वेरिएबल इज़ क्रिएटेड व्हेन यू राइट वार कीवर्ड। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि भाई वार कीवर्ड से जो है ना वेरिएबल बनेगा। अच्छा एक वेरिएबल बनाने के लिए ना जावास्क्रिप्ट में आप क्या करेंगे, वार लिखेंगे, उसके बाद वेरिएबल का एक नाम होगा और उसके बाद एक स्ट्रिंग में जो है ना वो बात लिखी हुई होगी जो बात बतानी है। अच्छा ये जो इतना पार्ट है ना इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग लिटरल कहते हैं। ये बुक में मेंशन नहीं हुआ हुआ लेकिन मैं वैसे ही बता रहा हूँ, आपको ये पता होना चाहिए, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे ना दो तीन बातें समझ लो। सबसे पहली बात तो ये कीवर्ड तो समझ आ गया था, कीवर्ड क्या होता है। अच्छा ये स्टेटमेंट भी समझ आ गया था, ये पूरा स्टेटमेंट है जो। अच्छा लेकिन आप नोट कर रहे हो कि इसको लिखने का एक ख़ास अंदाज़ है, एक ख़ास तरीका है। पहले वार लिखा हुआ है,
फिर वेरिएबल का जो नाम मैं रखना चाहता हूँ वो नाम लिखा हुआ, और उसके बाद इक्वल्स टू लगा के एक स्ट्रिंग में जो वेरिएबल के अंदर जो चीज़ रखवानी है वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये किसका लिखने का एक ख़ास अंदाज़ है, इसको अंग्रेज़ी जो ज़ुबान है उसमें इस ख़ास अंदाज़ को कहते हैं ग्रामर, है ना, कि भाई अगर किसी को पानी चाहिए होगा तो बोलेगा गिव मी सम वाटर या गिव मी वन ग्लास ऑफ वाटर। अब ये वन ग्लास एक खास जगह पे ही आ रहा है, शुरू में नहीं आ रहा, वन ग्लास वाटर गिव मी इज नॉट अ करेक्ट जुमला, शायद समझ जाए सामने वाला, लेकिन ग्रामर इसकी गलत है, ठीक है। उर्दू में भी अगर कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए, तो ये एक गिलास एक ख़ास जगह पे आ रहा है, पानी चाहिए आखिर में आ रहा है, ये उल्टा उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते इसको हम, ये एक ख़ास अंदाज है। इसको क्या कहते हैं हम, ग्रामर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको हम कहते हैं सिंटैक्स, सही है, SYNTEX या TEX जो भी है, इसको हम कहते हैं सिंटैक्स। तो ये सिंटैक्स आपका अगर सही लिखेंगे आप तभी कोड रन होगा, अगर सिंटैक्स आपने आगे पीछे कर दिया तो वो नहीं होगा। अब ये सिंटैक्स ही असल में सीखेंगे हम थ्रू आउट द कोर्स, अभी जो हम चलेगा पूरा वो सिंटैक्स सीखेंगे कि कौन कौन से कीवर्ड जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल हैं और उनको लिखने का सिंटैक्स क्या है, ये चीज़ हम सीखेंगे अब थ्रू आउट द कोर्स। अच्छा, HTML में क्या होता था, मार्कअप्स होते थे, हमने पहले सीखा कि अच्छा मार्कअप ये होता है, उसमें एट्रीब्यूट लग जाता है, ये हो जाता है। फिर हमने ये देखा कि अच्छा कितने मार्कअप अवेलेबल हैं, सबको एक एक दफ़ा चला के देख लिया, HTML पूरी हो गई। CSS में हमने क्या देखा कि अच्छा यार CSS लगती कैसे, इसमें रूल्स होते हैं और सेलेक्टर्स होते हैं, एक दफ़ा अच्छे से समझ लिया। फिर हमने देखा अच्छा कितने रूल अवेलेबल हैं, उन सारे रूल्स को एक एक करके लगा के देख लिया, सेलेक्टर भी थोड़े थोड़े हमने एक्सपेरिमेंट करते रहे साथ साथ, तो CSS पूरी हो गई। अब JavaScript में हमने क्या देखा, हेलो वर्ल्ड कर लिया, JavaScript कैसे अटैच होती है, कैसे चलती है, ES5 ES6 वो करके देख लिया हमने। अगली चीज़ अब हम क्या देखेंगे कि इसमें कौन कौन से कीवर्ड हैं और उसको लिखने का सिंटैक्स क्या है। अच्छा, फिर वंस ये हमें समझ आ गया कि अच्छा यार एक कीवर्ड होता है और उसको लिखने का एक खास अंदाज होता है, उसके बाद अब JavaScript में जितने भी कीवर्ड अवेलेबल हैं उन सबको हम क्या करेंगे, एक एक करके एक्सप्लोर करते जाएंगे, चला चला के देखते जाएंगे, JavaScript पूरी हो जाएगी, सही है। तो ये हमने वेरिएबल बनाना सीख लिया। अच्छा, अब ये समझ लो कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल तो बना रहे हैं, वेरिएबल क्या होता है कोई बता पाएगा अंग्रेजी में, वेरिएबल किस चीज़ को कहते हैं, प्रोग्रामिंग से हट के चेंज होने वाली चीज़, जो चीज़ वेरी करती है ना उसको कहते हैं हम वेरिएबल, कि एक ऐसी चीज़ जो वेरी कर सकती है, चेंज हो सकती है। अच्छा, तो वेरिएबल को समझो कि ये एक डब्बा है, इस डब्बे का जाहिर एक नाम है, इस डब्बे का नाम रोल नंबर भी हो सकता है, इस डब्बे का नाम किसी भी नाम से वेरिएबल हम बना सकते हैं। अच्छा, तो मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा है नेम ना, मैं कहता हूँ रोल नंबर, मेरा वेरिएबल का नाम रोल नंबर है, मैंने कहा रोल नंबर और इक्वल्स टू, अच्छा इस इक्वल्स टू को हम क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है, असाइन करने वाली चीज़, किसी को देने, असाइन क्या करते हैं कि भाई मैंने आपको ये टास्क असाइन किया, यानी आपको ये जिम्मेदारी दी है मैंने, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर इसको किस वजह से कहते हैं कि हम ये क्या कर रहे होते हैं, ये वेरिएबल का डब्बा बॉक्स, और इसको हम असाइन कर रहे हैं ये वैल्यू राइट नाउ, कि भाई ये रोल नंबर मैंने कहा कि 420, सही है, 420 ये रोल नंबर है, तो मैंने वो रोल नंबर 420 उठा के कहाँ डाल दिया, इस डब्बे में डाल दिया जिस पे लिखा हुआ था रोल नंबर, उस डब्बे में डाल दिया मैंने, अब वो उसके अंदर जाके सेव हो गया। अच्छा, अब क्या करूँगा मैं, कहीं पे भी ना बाद में मैं बोलूँगा कि यार रोल नंबर के डब्बे में जो भी है ना उसको स्क्रीन पर दिखा दो, तो जो होगा वो आ जाएगा स्क्रीन पर। चलो करके देखते हैं, ये मेरे कोड में जो है, अच्छा ये हेलो वर्ल्ड करके ना मैं ये अलग कर देता हूँ, जो अभी को कोड लिखा था मैंने, 1.hello world, सही है, ये सारा मैं इसके अंदर डाल देता हूँ हेलो वर्ल्ड के अंदर, और इसके बाद अब मैं बनाऊँगा 2.2 वेरिएबल, ये लो यार जूम कर दिया, सही है, ES6 वेरिएबल। अच्छा, इसके अंदर भी जब मैंने ये ES6 वेरिएबल का फोल्डर जो बनाया है, इसके अंदर भी मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले एक index.html बनानी होगी, क्योंकि उसके बगैर तो JavaScript डायरेक्ट नहीं चलती। सही है, HTML के साथ चलेगी JavaScript,
मैंने यहाँ पे एच वन कह दिया कि भाई ई एस सिक्स वेरिएबल्स, उसके बाद स्क्रिप्ट का एक टैग लगा दिया और इस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर अब मैं तमाम की तमाम जावास्क्रिप्ट जो भी लिखना चाहता हूँ वो मैं लिख सकता हूँ। अच्छा तो मैंने क्या कीवर्ड लिखना है यहाँ पे, अब वार लिखूँगा मैं, सही है, और रोल नंबर लिखूँगा इक्वल्स टू, और मैंने कहा कि स्ट्रिंग में मैंने कहा 420, ये एक रोल नंबर है। अच्छा मैं वार नहीं लिखूँगा, मैं लिखूँगा लेट, सही है। ई एस सिक्स में वार के कीवर्ड को चेंज करके लेट कर दिया गया है, ठीक है, तो हम अब लेट करके चलाएंगे। अच्छा ये जो लेट है ना, ये इसकी टाइप मॉड्यूल ना भी लगाए ना तो कुछ चीज़ें ई एस सिक्स की फिर भी चल जाती हैं, तो लेट इज़ वन ऑफ दोज कीवर्ड्स जो टाइप मॉड्यूल ना लगाएं तब भी चल जाता है। वेल लेकिन मैं टाइप मॉड्यूल लगा देता हूँ यहाँ पर, सही है, टाइप मॉड्यूल मैंने यहाँ पे लगा दिया। अच्छा अब इसको मुझे चलाने के लिए क्या करना होगा, देखो वेरिएबल तो यहाँ पे बन गया बट इस वेरिएबल को मैं देख तो नहीं सकता, मुझे इसको स्क्रीन पे जब तक मैं प्रिंट ना कराऊं मुझे ये पता नहीं चलेगा कि इस वेरिएबल में राइट नाउ क्या था। तो मैं साथ साथ क्या करता हूँ, कॉन्सोल डॉट लॉग, और मैं ये करूँगा कि यार रोल, अच्छा ये जो कॉन्सोल है ना इसके अंदर मैं कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल वैल्यूज दे सकता हूँ। देखो एक मैंने क्या दे दिया, एक मैंने दे दिया स्ट्रिंग लिटरल, यहाँ पे इस चीज़ को एज इट इज प्रिंट करेगा जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा एक होता है लिटरल एक होता है वेरिएबल, ठीक है, जो लिटरल का जो अपोजिट प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में है वो वेरिएबल है। अंग्रेजी में लिटरल का अपोजिट क्या होता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन प्रोग्रामिंग में देखो कॉन्सोल डॉट लॉग को ना मैं एक ये चीज़ दे रहा हूँ, ये क्या दे रहा हूँ मैं, स्ट्रिंग लिटरल, यानी यहीं पे बता रहा हूँ कि यार ये प्रिंट करो। अच्छा और कॉमा डाल के मैं एक वेरिएबल भी दे देता हूँ, रोल नंबर, ठीक है। तो कॉन्सोल डॉट लॉग को मैं लिटरल भी दे सकता हूँ और वेरिएबल भी दे सकता हूँ, और एक वक्त में एक से ज़्यादा वैल्यू अगर देनी हो तो कॉमा सेपरेटेड मैं दो तीन चार जितने लिखते जाऊँगा उसको प्रिंट कर देगा सबको, ठीक है, ये हो गया। अच्छा जब मैं कॉन्सोल डॉट लॉग में लिटरल करके लिखता हूँ और वेरिएबल करके लिखता हूँ तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि लिटरल तो जितनी दफ़ा भी ये कोड चलेगा ना लिटरल में वही प्रिंट होगा जो उसमें लिखा हुआ है मैंने, लेकिन वेरिएबल में ये चांस होता है कि वेरिएबल में इस वक्त जो वैल्यू है ना वो प्रिंट होगी। मिसाल के तौर पे वेरिएबल में इस वक्त क्या है 420, तो ये प्रिंट होगा। अगर मिसाल के तौर पे इस लाइन तक इमेजिन करो कि ये है लाइन नंबर 1 और ये है लाइन नंबर 200-300 लाइन के बाद ये कोड है, तो अगर उस लाइन तक पहुँचते पहुँचते ये वेरिएबल, क्योंकि इसका नाम ही वेरिएबल है ये वेरी कर सकता है यानी अपनी वैल्यू को चेंज कर सकता है, तो अगर इसकी वैल्यू चेंज हो गई तो फिर वो प्रिंट होगा, ठीक है। पहले तो लेकिन इसको सीधा सीधा हम चला के देखते हैं, पहले तो इसको सीधा सीधा हम रन करके देखते हैं, उसके बाद फिर हम इसको वेरी करके भी देखेंगे यार ये वेरी असल में होता कैसे है, ठीक है। कॉन्सोल को मैं जूम इन कर देता हूँ। अच्छा ये जो कॉन्सोल आया ना ये जो लाइव रीलोड है ना उसके उसने किया है, ये मेरा कॉन्सोल आ गया, ठीक है, रोल 420 ये प्रिंट हो गया। अच्छा रोल क्या क्या, मैं दो कॉलन मुझे लगाने हैं अगर, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे आके मैं ऐसे दो कॉलन लगा दूँगा, दो नहीं एक कॉलन एक्चुअली, तो ये फिर ऐसे करके प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके प्रिंट हो गया ये ऑटो रिफ्रेश हो रहा है क्योंकि वो लाइव रीलोड लाइव पे लगा हुआ है वो, अगर मैं कॉपी पाथ करके चलाता तो इसको मुझे हाथ से रिफ्रेश करना पड़ता, ठीक है, कॉपी पाथ बल्कि इसको मैं करके चलाता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है, ये इसको डिस्पोज कर देता हूँ मैं, इसको फिलहाल मैं कॉपी पाथ करके चलाता हूँ ताकि मुझे एग्जैक्टली पता चले कि अच्छा यार मैंने चेंज किया है तो ये चेंज हुआ है, खुद से नहीं हो रहा है, वरना वो ऑटो रीलोड में उस तरह से बात समझ नहीं आती, ठीक है जी। तो रोल नंबर जो भी था वो मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो गया। अरे क्या हुआ है भाई, हाँ कोड मुझे यहाँ चाहिए और रिजल्ट मुझे यहाँ चाहिए, सही है। अच्छा अब देखो क्या होता है, इस वेरिएबल में इस डब्बे में, वेरिएबल एक डब्बा है उसके अंदर कोई वैल्यू डली हुई है और जब जब मैं उस डब्बे का नाम लूँगा वो वैल्यू उसमें से निकल के आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, इस डब्बे का नाम पुकारा तो इस डब्बे में जो भी वैल्यू थी वो प्रिंट हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि रोल नंबर, अच्छा यहाँ पर नोट करो मैंने लेट लिखा था,
यहाँ पे मैं लेट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये लेट से वेरिएबल क्रिएट होता है, ये वेरिएबल वंस क्रिएट हो गया, मुझे दोबारा इसको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट रोल नंबर लिखूँगा और इक्वल्स टू करके मैं 913 लिख दिया मैंने इसमें, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, इस वेरिएबल के, वेरिएबल एक डब्बा है, अच्छा एनालॉजी बता रहा हूँ, ये डब्बा है एक्चुअल में तो डब्बा नहीं है, वो एनालॉजी बता रहा हूँ। तो ये वेरिएबल अगर एक डब्बा है तो इसके अंदर जो पहले वैल्यू थी, अब मैं एक नई वैल्यू जब डालूंगा ना तो पुरानी वाली वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, एक नई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये डब्बे की एनालॉजी में ये बात फिट तो नहीं हो रही, डब्बे में तो ये होता है जो पहले से था कुछ और डालो तो वो भी रहता है, ये दूसरा भी चला जाता है, ठीक है, हैं हाँ, तो ये क्या चक्कर है यार, पुराना वाला ख़त्म होकर जा कहाँ रहा है। तो ये वो वाला चक्कर है कि लाइट अभी ऑन है, आप इसको ऑफ़ कर दें, तो अभी ऑन तो नहीं हुई ना, एक वक्त में या तो ऑन होगी या तो ऑफ होगी, तो इसी तरह से इसमें एक वक्त में एक वैल्यू रहती है, सही है, इसी बस एक वक्त में क्या होता है, एक वैल्यू रहती है। कैलकुलेटर की स्क्रीन पे अगर एक वर्ड लिखा हुआ था 420 लिखा हुआ था, ठीक है, आपने क्लियर का बटन दबा के और उसमें 913 लिखा तो पुरानी वैल्यू कहाँ गई, ख़त्म हो गई। तो इसी तरीके से एक वेरिएबल के अंदर अगर आप कोई नई वैल्यू डालते हैं तो पुरानी वैल्यू उसमें से ख़त्म हो जाती है और नई वैल्यू आ जाती है, ओवरराइट हो जाती है, एग्जैक्टली पूरे स्क्रिप्ट में उस नाम, अच्छा एक नाम का वेरिएबल एक दफ़ा ही बन सकता है, दो बार नहीं बन सकता, एरर दे देगा, अगर मैं दोबारा यहाँ पे लेट लगाऊंगा ना एरर दे देगा। तो एक नाम का वेरिएबल एक वक्त में एक ही दफ़ा बन सकता है, तो पूरे स्क्रिप्ट में वो घूम रहा होता है। वार पुराना है ES5 का और लेट जो है वो ES6 है, सही है। अभी इसके स्कोप में फ़र्क है, अभी स्कोप हमने पढ़ा नहीं है, स्कोप हम पढ़ेंगे फंक्शंस जब हम पढ़ेंगे ना तो फिर स्कोप डिस्कस करेंगे, उस वक्त हमें इसके अंदर एक डिफरेंस भी है वो हम उस वक्त डिस्कस करेंगे, अभी ये समझाऊंगा समझ नहीं आएगा। हाँ लेट का इस्तेमाल करेंगे लेकिन इस बार हम रोल नंबर ना अगर एग्जैक्टली रखेंगे तो देखो रेड कलर का इसने बता दिया एरर, और इस पर हाथ रखेंगे तो ये क्या कह रहा है, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल रोल नंबर रीड, तो इसको मुझे क्या करना होगा, इसके आगे मैं एक वन लगा दूंगा, चेंज हो गया नाम, स्पेलिंग चेंज हो गई, सेटअप इसके अंदर कोई मैंने ABC कुछ रखवा दिया, कुछ भी रखवा दूंगा। तो नाम आपका क्या होगा, हर वेरिएबल का यूनिक होगा, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, ये रोल नंबर अलग है, ये रोल नंबर वन अलग है, इन दोनों को मैं मॉडिफाई करूंगा ये अलग अलग रहेगा, इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, नाम दिखने में एक जैसे हैं लेकिन असल में वो दो अलग अलग वेरिएबल हैं, क्योंकि एक का स्पेलिंग फर्क है, एक का स्पेलिंग फर्क है। इवन दो कि अगर मैं एक स्मॉल आर से बनाऊंगा और एक कैपिटल आर से बनाऊंगा रोल नंबर, ठीक है, एक स्मॉल आर से बनाऊंगा एक कैपिटल आर से बनाऊंगा, तो ये दोनों भी वेरिएबल क्या है, ये अलग अलग है, ठीक है। अच्छा जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि स्मॉल आर से लिखी हुई बात अलग है और कैपिटल आर से लिखी हुई बात अलग है, ठीक है, इट इज़ नॉट द सेम। अच्छा ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय द वे केस सेंसिटिव होती हैं, बहुत कम ऐसी होती हैं, पता नहीं GW बेसिक वगैरह के दौर की लैंग्वेजेस होती थी वो केस सेंसिटिव नहीं होती थी, बट सी लैंग्वेज के बाद जितनी भी आई है, जितनी मैंने, क्योंकि मैंने पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी लैंग्वेज पढ़ी थी, तो उसके बाद मैंने जितनी भी देखी है C#, C++, जावास, कॉटलिन, पता नहीं और कौन कौन सी, स्विफ्ट, रस्ट, वो सब केस सेंसिटिव होती हैं, ठीक है। कि अगर L, ये लेट लिखा हुआ है ना ये, तो ये स्मॉल L से जो लेट है ये कीवर्ड है, अगर इसका मैं L कैपिटल कर दूँ, अब देखो कलर ही चेंज हो गया और इसने बोला भाई ये क्या किया आपने, सही है, तो ये स्मॉल L से ही लिखोगे तो ये कीवर्ड, तो जितने भी कीवर्ड हैं वो सारे केस सेंसिटिव हैं, जितने भी इस तरह वेरिएबल के नाम में बनाऊंगा तो जो नाम एग्जैक्टली लिखूंगा ना वही नाम और उसी केस में लिखूंगा तभी वो मिलेगा, अदरवाइज वो बोलेगा ये दूसरा नाम है, उसको समझ नहीं आएगा। अच्छा स्क्रीन रुक गई, हाँ हो तो गया स्टक। अच्छा भाई केस सेंसिटिव समझ आया, अब ये छोटी 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 डिटेल्स हैं जो ये मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ये अभी तो आपको लग रहा होगा ओवरवेलमिंग शायद कि यार अच्छा इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम कंटिन्यूसली इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे थ्रू आउट द क्लास, तो ये चीज़ें आपको खुद ही याद हो जाएंगी, जैसे मुझे ये चीज़ें याद हैं इसी तरह आपको भी हो जाएंगी, ठीक है। प्रोग्रामिंग हमेशा याद रखें, हाथ से करने वाली चीज़ है, आप सिर्फ यहाँ देखेंगे सुनेंगे भूल जाएंगे, आप जब तक अपने हाथ से उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप बुक को पढ़ेंगे नहीं खुद से, ये आपके दिमाग में आने वाली नहीं है,
ठीक है, प्रोग्रामिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, और यही वजह है, हमने एक बार ये डिस्कशन की थी कि जिस चीज़ के क्या कहते हैं मुश्किल है जो, उसके उतने ज़्यादा पैसे हैं। तो जिस चीज़ में भी पैसे हैं ना, कुछ चीज़ें होती हैं ऐसे वो पैसे बहुत होते हैं, लगता है यार आसान काम है ये, है ना, क्रिकेट खेलना जैसे, अरे ये छक्का मारा महीने के 20-25 लाख ऐसे आ रहे हैं, है ना, लेकिन वो मुश्किल काम है असल में। वो आपको लग रहा आसान होता है लेकिन वो आप जब करने के लिए जाते हैं ना तो बड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है। तो ये वाइस वर्सा है, ये रूल है, ये दुनिया का रूल है, आप इसको जहाँ जहाँ अप्लाई करेंगे ना ये सब जगह फिट आएगा। जो भी काम ऐसा है जो मुश्किल है उसके पैसे ज़्यादा होंगे, जो काम जितना मुश्किल है उसके पैसे उतने ज़्यादा होंगे। मुश्किल काम ज़्यादातर लोगों से होता नहीं है, ज़्यादा लोग कोशिश करते हैं ज़िंदगी में सुकून होना चाहिए, आसानी होनी चाहिए, आसान काम होना चाहिए, ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो हो जाए और बस, ज़्यादा टाइम भी ना लगे कुछ भी, तो ज़्यादातर लोग उसको चूज़ करते हैं। मुश्किल चीज़ों की तरफ बहुत कम लोग जाते हैं, अगर चले भी जाते हैं तो थोड़े दिन उनको कहते हैं नहीं यार बस हो गई हमारी, हाँ आज़ाद बंदा जो है ना बोर हो जाता है, सही है, मुश्किल काम होता नहीं है, थक जाता है बंदा। तो इसीलिए मुश्किल काम क्योंकि ज़्यादा लोगों से होता नहीं है, उसमें लोग बहुत कम होते हैं, तो उसमें कंपटीशन कुछ होता नहीं है ख़ास, और कंपटीशन जहाँ पे कम होता है, काम ज़्यादा होता है, बंदे कम होते हैं, तो सप्लाई डिमांड वाली उस पर चीज़ अप्लाई हो जाती है, हाँ, तो वो सप्लाई डिमांड की वजह से जो है ना इसके रेट भी ऊपर चले जाते हैं। और अब प्रोग्रामिंग के अंदर तो ऐसा है चीज़ें अपडेट हो जाती है, अभी ES6 आ गया, अभी ES5 था कुछ अरसे पहले तक, अभी ES6 आ गया, चेंजेस तो छोटी छोटी हैं लेकिन देखना तो पड़ेगा ना, पढ़ना तो पड़ेगा, टाइम लगता है, मेहनत लगती है, तो ये हर बंदे की बस की बात नहीं है। इवन दो कि इस क्लास में भी आपने देखा था 200 बंदे बैठे हुए थे शुरू में, अभी वो थोड़े 20% गायब हो गए चलो वो तो किसी दूसरी वजह से, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ जब ये क्लास ख़त्म होगी तो इसमें 25 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे, ये भी मैंने बहुत लंबा चौड़ा फिगर बता दिया, 25 लोग जो लास्ट तक इसमें सर्वाइव करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन अपने आप को उन 25 लोगों में देखना चाह रहा है, बस ये जोश और जज्बा जो है ना कायम, हाँ भाग जाएंगे मैं बता रहा हूँ, नहीं एलिमिनेशन आप ना भी हो वैसे ही भाग जाएंगे, एलिमिनेट भी करेंगे हम, अगर कोई बदतमीज़ी करेगा कुछ असाइनमेंट नहीं है, ये जो आप अभी 5 असाइनमेंट आपको दिया गया है ये आपने नहीं सबमिट करवाया तो वो आपकी एलिमिनेशन भी हो सकती है उसकी वजह से, हैं चलो मैं वो सही कर दूँगा, सही है लास्ट में सही कर दूँगा। तो भाई कहने का मकसद ये है कि मुश्किल काम है, ठीक है, तो कोशिश करना कि इसी जोश और जज्बे को कायम रखो आखिर तक और सरवाइव करो। अगला जो एक साल है, एक साल तो नहीं अभी 2-3 महीने तो हो गए आपका कोर्स शुरू हुए हुए, ये अगले जो आपके 6-7 महीने हैं ना, अगर आप चाहें आप सब लोग, तो इस अगले 6-7 महीने में आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं, ये आपके पास एक चांस है, ठीक है। और अगर जो जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा वरना सब कुछ, अगर कुछ बदलना है, अगर ज़िंदगी में जीना है तो एक बार मरना पड़ेगा उसके लिए, एक बार अपने आप को मारना पड़ेगा, तो मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, तकलीफ़ होगी बहुत, लेकिन अल्टीमेटली थोड़ी सी मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी आपकी, सही है। चलो आगे आप देखते हैं वेरिएबल के बाद हमारे पास क्या टॉपिक है। अबे यार ये क्यों डिस्कनेक्ट हो जाता है बार बार, थक जाता हूँ मैं इससे। अच्छा जी, तो मैं क्या कर रहा था, मैं वेरिएबल को चेंज कर रहा था ना, इस नए वाले वेरिएबल को हटा देते हैं। एक वेरिएबल है हमारे पास राइट नाउ, उसमें पहले वैल्यू थी 420, उसको मैंने करवाया प्रिंट, तो 420 यहाँ पे प्रिंट हो गया। उसके बाद मैंने उसी वेरिएबल में इक्वल टू लगा के 913 लिख दिया, एक नई वैल्यू दे दी। तो अब मैं अगर इसको प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पे, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, 913 प्रिंट होगा, सही है। ये रोल क्योंकि लिटरल लिखा हुआ है, स्ट्रिंग लिटरल है, तो ये तो एज इट इज़ होगा जो मैंने ये सेलेक्ट किया हुआ है, इतना जो रोल है, लेकिन इतना पार्ट वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी हर दफ़ा।
अगर ऊपर वाला कॉन्सोल देखें आप और नीचे वाला कॉन्सोल, तो ये एग्जैक्टली सेम है कोड इसका, लेकिन ऊपर वाले में प्रिंट होगा 420 और नीचे वाले में प्रिंट होगा 913। तो आ जाते हैं जी, चला के देखते हैं। ठीक है, जब तक मैं इसको रिफ्रेश नहीं करूँगा वो नया वाला कोड नहीं रन होगा। ठीक है, क्योंकि फाइल कॉपी करके चला रहा हूँ अब मैं। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ कॉन्सोल को, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो पहले 420 आया फिर 913 आया। ठीक है, ये हमने वेरिएबल का जो बेसिक ऑपरेशन था ये हमने चला के देख लिया। अच्छा, आ जाते हैं बुक में और क्या बताया इन्होंने वेरिएबल के बारे में। अच्छा, इसने यहाँ पे बोला कि फिर यार वेरिएबल नेशनैलिटी हो सकती है, नेशनैलिटी इक्वल्स टू यूएस, मतलब इसको वेरिएबल को बनाने का एक नया सिंटैक्स ये बता रहा है, एक मुख्तलिफ सिंटैक्स बता रहा है जो हमने लिखा था। इसने कहा आप ये कर सकते हो, पहले वार लिख दो जस्ट या लेट लिख दो, वैल्यू बाद में दे देना, शुरू में कुछ ना दो उसको आप। ठीक है, आ जाओ करके देख लेते हैं। मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं बोलूँ लेट रोल नंबर बस, और वैल्यू उसको बाद में दे दूँ मैं। ठीक है, देखो अभी मैंने क्या किया, लेट रोल नंबर, वैल्यू नहीं दी हाथ के हाथ। अच्छा, जब तक मैं इसको कोई वैल्यू नहीं दूंगा, इसमें कौन सी वैल्यू होगी, अनडिफाइंड होगी। इसमें अभी अगर मैं यहाँ इसको प्रिंट करवाता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ और मैं लिखता हूँ रोल नंबर, यहाँ पे भी प्रिंट करवाया मैंने, तो इस रोल नंबर में क्योंकि अभी तक कोई वैल्यू उसको मिली नहीं है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, अनडिफाइंड प्रिंट होगा। ठीक है, यहाँ पे फिर वैल्यू दे दी तो ये वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले वेरिएबल बनाया, फिर कंसोल किया, फिर वैल्यू डाली, फिर कंसोल किया, ऐसे करके मैं इसको बना रहा हूँ। आ जाते हैं ज़रा, इसको क्लियर किया, इसको रिफ्रेश किया, तो देखो पहले अनडिफाइंड हुआ, फिर वैल्यू, फिर वैल्यू। ठीक है, आसान है, मुश्किल तो नहीं है यहाँ तक। देखो कॉन्सोल डॉट लॉग जो है ना, वो किसी भी चीज़ को प्रिंट कराने के काम आता है। यहाँ पे मैंने जो सिर्फ स्ट्रिंग लिखा है ना, मैं ये रोल नंबर हटा दूँ, सिर्फ स्ट्रिंग लिखूँ एक, सही है, तो प्रिंट कर देगा ये। सिर्फ रोल नंबर लिख दूँ मैं, सिर्फ रोल नंबर लिख दूँ तो भी प्रिंट कर देगा। इसके पड़ोस में अगर ऐसे लगा दूँ यूँ, फिर तो ये इसको लिटरल बन गया ना, ये लिटरल है, जो लिखा हुआ है इसको एज इट इज प्रिंट करेगा, इसकी वैल्यू तलाश करने की कोशिश ये नहीं करेगा। ठीक है, तो कॉन्सोल डॉट लॉग को मुझे क्या देना होता है, स्ट्रिंग देना होता है, चाहे मैं लिटरल में दे दूँ चाहे मैं वेरिएबल की सूरत में दे दूँ। जब मैं वेरिएबल लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, इस वेरिएबल के अंदर जाएगा और तलाश करेगा कि यहाँ पे क्या था इसमें। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा, ये जो चैप्टर है वेरिएबल वाला, ये किसी ने अगर नहीं पढ़ा है खुद से तो पढ़ लेना। अब मेरा ख्याल है और तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस वेरिएबल में हमने पढ़नी है, तो हम अब अगला चैप्टर देखते हैं, वेरिएबल फॉर नंबर्स। ये भेज चुका हूँ, कोई और भेज देगा, ये इंटरनेट पे कॉमनली अवेलेबल है ये बुक ना, इंटरनेट के ऊपर आप जाके लिखेंगे स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट डाउनलोड पीडीएफ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अभी तक हमने जो वेरिएबल बनाया है उसमें हमने क्या वैल्यू रखवाई थी, स्ट्रिंग वैल्यू रखवाई थी। स्ट्रिंग की पहचान क्या है, ये डबल कोटेशन लगा होगा साथ में एक, बल्कि नई फाइल बना लेते हैं इसके लिए हम, वेरिएबल फॉर नंबर। सही है, वेरिएबल फॉर नंबर, और कॉपी पाथ, और इसको मैं यहां पे चला देता हूं। रोल नंबर जो है, जो मैंने इसमें स्ट्रिंग वैल्यू दी थी, असल में इसमें क्या होना चाहिए,
रोल नंबर इक्वल्स टू 420 ऐसे होना चाहिए। अच्छा क्यों? स्ट्रिंग जो होता है वो क्योंकि टेक्स्ट के तौर पे उसको ट्रीट कर रहा होता है जावास्क्रिप्ट या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रिंग को एज अ टेक्स्ट के तौर पे ट्रीट कर रहा होता है, एज अ नंबर उसको ट्रीट नहीं किया जा रहा होता। लिहाजा क्या होता है कि मैं टेक्स्ट के साथ या स्ट्रिंग के साथ कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा रोल नंबर वैसे असूलन तो स्ट्रिंग ही होता है क्योंकि रोल नंबर में ए बी सी डी भी आमतौर पर शामिल होता है। जैसे आपका यहाँ पे होगा रोल नंबर जो उसमें लिखा हुआ होगा कि B8 और डैश करके कुछ इस तरह पता नहीं होगा, तो बी आ गया उसमें तो जाहिर है फिर उसमें स्ट्रिंग ज़रूरी है, ठीक है। तो रोल नंबर आमतौर पर स्ट्रिंग ही लिखा जाता है, तो मैं काम करता हूँ रोल नंबर छोड़ के हम कुछ और बनाते हैं, ठीक है। मैं कह देता हूँ कि भाई बैलेंस, ठीक है, अकाउंट बैलेंस, क्योंकि जितनी भी मोबाइल ऐप्स हैं, ये बैंक की ऐप है जितनी भी है सब कुछ, तो जो आपका जो अमाउंट होता है बैलेंस कितना उसमें मौजूद है वो एक वेरिएबल में सेव होता है, वेरिएबल ही होता है उसके जो स्क्रीन पे दिखा रहा होता है कि अच्छा यार इतने बैलेंस है आपका। तो मैंने कहा बैलेंस 420। अच्छा इसको मैं कंसोल कराऊंगा, ठीक है, मैंने कहा बैलेंस और प्रिंट हो जाना चाहिए, क्लियर किया, रिफ्रेश किया, बैलेंस 420 प्रिंट हो गया। अच्छा अब इसकी ख़ास बात यह है कि इसके साथ मैं क्या परफॉर्म कर सकता हूँ, कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ इसके साथ ही एक लेट बना देता हूँ कि बल्कि इसको मैं वैसे ही नीचे लाता हूँ, बैलेंस की वैल्यू को अब मैं चेंज कर रहा हूँ। मैंने कहा बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस माइनस 12, ठीक है। मैंने कहा कि बैलेंस का जो वेरिएबल है उसमें क्या रखवा दो, बैलेंस माइनस 12 करके रखवा दो। तो बैलेंस माइनस 12 कितना हुआ, 408। अब ये 408 उठेगा और इसमें चला जाएगा, ठीक है, कुछ यानी जब रन होगा प्रोग्राम तो कुछ इस तरह से परफॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। तो अगली लाइन में मैं बैलेंस को दोबारा से क्या कर देता हूँ, कंसोल कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो बैलेंस प्रिंट होगा वो 408 प्रिंट होना चाहिए, सही है, बैलेंस 408 यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए अगर आप लोगों ने सही कैलकुलेट करके बताया तो। रिफ्रेश, ठीक है, 408, तो कैलकुलेशन परफॉर्म हो सकती है। अच्छा यही काम अगर मैं स्ट्रिंग बना देता है इसको, अच्छा स्ट्रिंग मैंने सिंगल कोट से भी बना सकता हूँ डबल कोट से भी, फ़र्क नहीं है कोई, एक ही बात है, सही है। और मैं इस 12 को भी अगर स्ट्रिंग बना दूँ, डबल कोट सिंगल कोट एक ही बात है जावा। अच्छा कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सिंगल कोट और डबल कोट अलग अलग होता है, जैसा कि सी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो उसमें सिंगल कोट और डबल कोट क्या होता है, इसके मीनिंग्स अलग होते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्योंकि इसका मीनिंग अलग नहीं है, सेम है, तो हमें उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि सी लैंग्वेज में क्या होता था, ठीक है, हम जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं। अच्छा अगर मैं इसको स्ट्रिंग बना देता हूँ तो क्या होना चाहिए, 420 माइनस 12 लिखा हुआ जाएगा, नहीं, मिसाल के तौर पे देखो ये तो 420 था, यहाँ पे तो 420 सीधा सीधा प्रिंट हो जाएगा इस जगह पे, ठीक है, 420 सीधा सीधा प्रिंट हो गया। अब ये वाला पार्ट जब परफॉर्म होगा तो इसका रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होगा, पूरा एज इट इज लिखा हुआ जाएगा। अच्छा देखते हैं क्या होता है, बिल्कुल सेम रिजल्ट आया। अच्छा एक चीज लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है, जो चीज गौर से देखोगे ना अगर, तो इस 420 का जो कलर है वो एज अ टेक्स्ट प्रिंट किया गया है, इसका जो कलर है वो एज अ नंबर प्रिंट करने पे जो कलर आता है वो है, ठीक है। इसका हम टाइप चेक भी कर सकते हैं, वेल टाइप चेक करना अभी फिलहाल उसको हम बाद में देखेंगे, इसकी हम टाइप प्रोग्रामेटिकली भी चेक कर सकते हैं कि अभी इसकी टाइप क्या है। अच्छा ये हुआ क्या, ये हुआ ये कि जब दो स्ट्रिंग टाइप का जो डेटा होता है उसको आपस में जब कोई कैलकुलेशन उस पर परफॉर्म करते हैं ना, तो जावास्क्रिप्ट ये कोशिश करता है कि अगर उसको नंबर में कन्वर्ट किया जा सके, किया जा सकता है, तो वो उसको नंबर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं
ऑटोमेटिक पार्सिंग इसको कह सकते हैं, इसका कोई वैसे तो प्रॉपर नाम नहीं रखा हुआ इन्होंने, या डायनेमिक पार्सिंग कह सकते हैं इसको। तो वो डायनेमिकली क्या करता है, उसको पार्स कर देता है नंबर में, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये उसी सूरत में होगा जब दोनों साइड पे वो नंबर ही होगा असल में, इस फॉर्मेट उसका स्ट्रिंग है लेकिन हो नंबर वो। अब उसमें ए बी सी आ गया ना कहीं बीच में अगर, तो फिर देखो क्या होता है। मैंने यहाँ पे कह दिया 420A कह दिया मैंने। अच्छा, अब ये ज़ाहिर है माइनस तो नहीं हो सकता, 420A को नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाए, पॉसिबल नहीं है, बीच में अल्फ़ाबेट आ गया। तो अब ये क्या करेगा, अब ये बोलेगा NaN नॉट अ नंबर, ठीक है। नॉट अ नंबर एक वैल्यू है, जैसे अनडिफाइंड एक वैल्यू, इसी तरह नॉट अ नंबर एक वैल्यू है। तो कभी भी इस तरह की सिचुएशन आएगी वो बोलेगा नॉट अ नंबर। अच्छा, एक चीज़ अब और समझ लो यहाँ पे, ये मैं ए हटा देता हूँ वापस से, अगर इसको माइनस की जगह प्लस किया जाए, ठीक है, तो ये इसको क्या करेगा, नंबर में कन्वर्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब दो स्ट्रिंग के दरमियान में प्लस आता है तो जावास्क्रिप्ट उसका मतलब ये लेता है कि दोनों को ऐसे जोड़ देना है, कॉनकैडिनेट कर देना है, ठीक है। माइनस में तो उसको कैलकुलेशन ही समझता है, लेकिन प्लस में उसको कैलकुलेशन नहीं समझता, वो प्लस का मतलब होता है कॉनकैडिनेट कर देगा। तो अब देखो क्या होता है, ये ऐसे मिला के उसको उसने जोड़ दिया कि 420 और 12 साथ में, और इस अब की बार इसका टाइप भी चेंज नहीं हुई, वो जो रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ वो स्ट्रिंग ही है, वो नंबर नहीं है। तो ये नंबर के अंदर कुछ पॉसिबिलिटीज़ जो थी ना वो हमने देख ली। तो बेहतर तरीका ये है कि जहाँ पे भी नंबर की बात आ रही है ना, तो वहाँ पे ये स्ट्रिंग का नाम ना हो, डायरेक्ट नंबर हो, ठीक है, ताकि इस तरह की इनकन्वीनियंस का सामना ना करना पड़े। अब मैं इसको नंबर कर दूंगा तो ये प्लस भी सही करेगा, माइनस भी सही करेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड सब सही करेगा। तो बेहतर है, हमें कोशिश ये करनी है कि जहाँ पे भी हमें नंबर ऐसा चाहिए जो कैलकुलेशन वाला काम होगा, वहाँ पे स्ट्रिंग नहीं लगाएंगे हम, बल्कि नंबर लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इस नंबर के साथ अगर मैं ए लगाता हूँ तो ये वैसे ही मुझे एरर देना शुरू कर देगा कि भाई ये तो नंबर लिख रहे हो, ए कहाँ, सही है। अब इसको मैं चलाऊँगा तो ये प्लस बिल्कुल सही करेगा, ठीक है, प्लस इसने बिल्कुल सही कर दिया, ठीक है। तो ये नंबर को हमने काफ़ी हद तक डिस्कस कर लिया। अच्छा, अभी हमने वेरिएबल जस्ट बनाना सीखा है और उसकी वैल्यू को चेंज करना सीखा है। एक्चुअल में इस वेरिएबल से होगा क्या, एक सॉफ्टवेयर के अंदर ये इस वेरिएबल का रोल क्या होगा, ये हमने अभी तक बात डिस्कस नहीं की है, वो अभी हम करेंगे बहुत जल्दी आगे डिस्कस, ठीक है। तो अभी हमने जस्ट वेरिएबल बनाना सीखा है। तो आप सब लोगों को क्या करना है कि ये जो बात यहाँ पर बताई गई है आपको कि वेरिएबल अच्छा ऐसे बनता है, ऐसे इसकी वैल्यू चेंज होती है, ये सिंटैक्स है, ये ग्रामर है, मैंने बहुत सारी बातें आपको टर्मिनोलॉजीज़ बताई हैं, तो ये सारी टर्मिनोलॉजी एक तो आपने कोशिश करना है कि बुक पढ़ेंगे तो आपको सारी टर्मिनोलॉजी इंशाल्लाह वहाँ पे मिलेगी, कुछ सिवाय कुछ के जो बुक में मौजूद नहीं है। दूसरा, ये कोड जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आपको लग रहा होगा कि यार ये आसान कोड है, लेकिन ये आसान कोड नहीं है, इसको आपने अपने हाथ से लिखना है। अगर आप इसको अपने हाथ से नहीं लिखेंगे, आपसे दो दिन बाद पूछा जाएगा, आपको पता ही नहीं होगा, ठीक है। और अभी आप जब हाथ से लिखने की कोशिश करेंगे ना इसको घर जाके, तो आपको खुद लग पता जाएगा, और कॉपी पेस्ट करके नहीं लिखना है इसको, इसको देखकर मेरी गिटहब की रिपॉजिटरी में ये कोड मैं पुश कर दूंगा, वहाँ से देखकर एक स्क्रीन पे हाथ से टाइप करना। हाथ से टाइप करने से एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं मसल मेमोरी, वो आपके हाथों में वो फिट होता है। जो लड़के सारे तकरीबन ड्राइविंग करते हैं बाइक या गाड़ी कोई भी, तो बाइक जब शुरू शुरू सीखता है बंदा तो वो तो सब चीज़ें देखते रहना पड़ता है, लेकिन थोड़े दिनों में क्या होता है, ऑटो पायलट। तो वो मसल मेमोरी होती है, जब कोई सामने चीज़ आती है ब्रेक खुद लगता है, आप नहीं लगाते, खुद लगता है ब्रेक, आपके पैर खुद पता होता है उनको कि क्या करना है, कब कहाँ पे ब्रेक करना है, कब कहाँ पे रेस बढ़ानी है, कम करनी है, क्लच कहाँ पकड़ना है, कहाँ छोड़ना है, ठीक है। क्योंकि एक जंप के ऊपर जब बाइक गुजरती है जंप से, तो वहाँ पे बड़ा टेक्निकल काम है कि एक जंप से उसको आसानी से गुजारना, कम्फर्टेबली गुजारना, उसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, है ना, काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि ब्रेक को ऐसे करना है, एक्सेलेटर को कम करना है, क्लच को पकड़ना है, हल्की सी ब्रेक मारनी है, फिर उसके बाद फिर गियर भी कम करना है थोड़ा, फिर है ना बंद भी ना हो, इतनी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें आपकी मसल मेमोरी में क्योंकि आ चुकी हैं, तो इस वजह से आपको सोचना नहीं पड़ता उसके लिए। तो ये प्रोग्रामिंग जब आप हाथ से टाइप करेंगे तो ये आपकी मसल मेमोरी में ही चला जाएगा, ठीक है। तो मसल मेमोरी बनानी बहुत ज़रूरी है प्रोग्रामिंग के केस में। प्रोग्रामिंग याद रखें बंदा फ़ौरन भूलता है, मैं खुद 10 साल के एक्सपीरियंस के बावजूद ना डेली कोडिंग कर रहा होता हूँ, लेकिन अभी भी अगर मैं 10 दिन कोडिंग ना करूँ तो मुझे फिर कोडिंग नहीं होती, सब भूल जाता है बंदा। 10 दिन की सिर्फ बात होती है, सब भूलने के लिए काफ़ी है,
कहीं पे 15 दिन के लिए कहीं चला गया घूमने फिरने आउट ऑफ सिटी कहीं इधर उधर, वापस आके बस ऐसा लगता है कि ब्लैंक हो गया सब, कुछ काम नहीं होता, बुक खोलनी पड़ जाती है सम टाइम, ऐसा समझ रहे हो, इतना ज़्यादा भूल जाता है बंदा तो। हाँ नहीं, छुट्टियाँ नहीं भूलनी है आपने, वो प्रैक्टिस में रहना है, सही है प्रैक्टिस में रहना है। हाँ लेकिन वो फिर अब 2-4 दिन की बात होती है, वो 2-4 दिन तक तकलीफ होती है, फिर वो दोबारा फ्लो में आ जाता है बंदा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। चलो भाई, अल्लाह हाफिज़।